तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आपको हम बताएंगे कि सऊदी अरब में कैसे चलते हैं, जो हमारे नए भाई आएंगे वो किस तरह से चलेंगे गाड़ी चलाते वक्त। तो देखिए, मैं गाड़ी लेकर निकल चुका हूँ और देखिए यहाँ पे तीन ट्रैक बनाए गए हैं, उधर फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। तो आपको जब भी चलना है तो बीच वाले रास्ते में ही चलना है। जब आप नए आओ तो रास्ते जो ये बीच वाला जगह है, दोनों देखो वाइट वाइट दो ये पट्टी बनाए हुए हैं, जो कलर किए हुए हैं, इसके बीच में आप चलो। जब भी आप नए बीजे पे आते हो तो बीच वाले में चलो, ना फास्ट ना आखिरी में, यानी दोनों साइड नहीं चलना है। और देखिए यहाँ पे ब्रेकर है, ब्रेकर ध्यान रखना, ब्रेकर पे पीला पट्टी यहाँ पे किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। इंडिया की तरह यहाँ पे ब्रेकर नहीं रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों साइड रोड रहते हैं, इंडिया में तो ज़्यादातर एक ही साइड में रहते हैं आना जाना, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड रहते हैं। और यहाँ पे बीच में देख सकते हैं आप खजूर के पेड़ लगाए हैं। देखिए यहाँ पे आपको जब राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है तो पहले यहाँ पे रुकें आप। देखें यहाँ पे लिखा है एयरपोर्ट और स्टॉप, तो स्टॉप जैसे ही लिखा है तो यहाँ पे दोनों साइड आप नज़र घुमा लें और रुक जाएं 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, उसके बाद लेफ्ट राइट आप जाएं। इंडिकेटर जला के जाएं गाइस, ऐसे मत जाएं, आप दोनों साइड देख लें फिर उसके बाद जाएं। उसके बाद गाइस आप सीधा जा चलिए और देख सकते हैं कुछ इस तरह से खाली रोड है। अभी दोपहर का सीन है तो इसीलिए खाली है, कोई अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो वीडियो देखते रहिए और वीडियो के, और ऐसे ही हम सऊदी के बारे में आपको हम बताते रहेंगे, जो हमारे नए भाई आएंगे उनको ज़्यादा सीखने को कुछ मिलेगा। जो पुराने भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको तो पहले से ही नॉलेज है, मालूम है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे नए भाई आएंगे उनके लिए अच्छा होगा ये वीडियो देखने के बाद। वीडियो आप देखा कीजिए और देख सकते हैं दोनों साइड खाली है, बीच में एक खजूर का पेड़ नहीं है, दूसरा पेड़ है। ये 100 पीस, ये खजूर का मत आप समझना, ये 100 पीस है पेड़, इसको सिर्फ 100 के लिए लगाया जाता है बीच में जो है। और ये जो खजूर के पास में आप देख रहे हैं जो पीला पट्टी है, आप उसके उधर नहीं जाना है, बीच में चलना है। या देखिए यहाँ पे ब्रेकर है ना, तो ब्रेकर आप ध्यान से देख के चले, यहाँ पे ब्रेकर पता नहीं चलता है जल्दी कहीं कहीं पे। देखिए यहाँ पे ऐसे रोड है तो यहाँ पे रुक जाइए आप, दोनों साइड आप नजर घुमा लो, उसके बाद दोनों साइड देखने के बाद आप जाओ। ऐसा नहीं है कि बीच में रोड है खाली है तो आप निकल जाओ, दोनों साइड रुक के देख लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। तो चलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं गाइस, और आपको हम बताते भी जा रहे हैं, वीडियो में बने रहिए, आपको ऐसे ही हम वीडियो दिखाते रहेंगे। प्लीज देख सकते हैं यहाँ पे यूटर्न है, तो यूटर्न पे भी आप ध्यान देना, कभी भी यूटर्न पे भी ध्यान देना। आप ऐसे नहीं कि आप एकदम स्पीड में ही निकल जाओ, यहाँ पे कहीं पे भी आप रोड पे जाएंगे तीन ट्रैक या दो ट्रैक बनाए रहेंगे। देखिए यहाँ पे हाईवे है, यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है, तो हाईवे पे आप कभी भी जाइए तो पहले हाईवे पे जाने से पहले रुक के अपना लेफ्ट राइट देख के ही आप हाईवे पे जाइए। और जब भी जाइए इंडिकेटर जला के जाइए, ऐसे मत जाइए, इंडिकेटर जलाइए उसके बाद आप हाईवे में घुसिए। देख सकते हैं उधर हाईवे है तो कितनी गाड़ी चल रही है, और देख सकते हैं कितना प्यारा मस्जिद है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे मस्जिद बहुत प्यारा बनाए जाते हैं और बेहद खूबसूरत बनाए जाते हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा है। और देख सकते हैं हाईवे पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे हाईवे पे देख सकते हैं जो बोर्ड दिख रहा है, इसके ऊपर कैमरा है, तो ध्यान रहे आप जब भी बोर्ड देखें ऊपर तो मोबाइल चलाएं ना, जब भी आप मोबाइल चलाएंगे तो आपको कैमरा खींच लेगा, फिर फाइन आ जाएगा गाइस। तो जब भी ऐसा ही बोर्ड आपको कहीं पे भी दिखे चलाते वक्त तो मोबाइल हाथ में नहीं लेना, मोबाइल रख देना है, और चलाते वक्त तो गाड़ी मोबाइल चलाना ही नहीं चाहिए, और सीट बेल्ट लाजिम लगा के चलाएं, सीट बेल्ट का भी फाइन आएगा, मोबाइल का भी फाइन आएगा, स्पीड का भी फाइन आएगा, सिग्नल आप तोड़ेंगे उसका भी फाइन आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रहे, सीट बेल्ट, मोबाइल, स्पीड आप जा रहे हो उसका भी आएगा, कैमरा आप तोड़ दिए यानी उसका भी आएगा, तो ये बात ध्यान रहे। देखिए हम बीच में ही चल रहे हैं, दोनों साइड जिनको जाना है फास्ट जा सकते हैं, हमको कोई नहीं हॉर्न मारेगा, हमको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उनको जो जाना है जा सकते हैं, हम बीच में चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं बीच में चल रहा था। अब देखिए साइड में हम धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि हमको साइड में चलना है, तो इसीलिए मैं साइड में जा रहा हूँ। अभी निकलना है मेरे को तो साइड में पहले से ही इंडिकेटर चला के निकल गया मैं। देखिए जब भी आप एग्जिट लें तो पहले से ही आप इंडिकेटर जला के निकल जाएं, पहले से ही यानी इंडिकेटर जलाएं फिर उसके बाद निकलें, ये नहीं कि ऑटोमेटिक ही निकल जाएं, यहाँ पे इंडिकेटर लाजिम जला के जाएं, यानी जरूरी है जलाना, ये बात आपको ध्यान रहे गाइस। और गाइस हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
और बेल आइकन भी दबा दें, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज देख सकते हैं, मैं खिदमे यानी खिदमा उसको बोलते हैं जो साइड में हाईवे के साइड में जो बनाए रहते हैं ट्रैक, उसको खिदमा सऊदी अरब में बोलते हैं अरबी लैंग्वेज में। तो ये खिदमा है, यानी हाईवे के बगल में आप स्लो जाओ, स्पीड जाओ, स्पीड तो इस पर नहीं चलना रहता है, इस पर स्लो में ही आप चल सकते हो, क्योंकि आपको लेफ्ट राइट जाना रहता है तो जब भी आप यहाँ पे निकलते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले ही आऊँ और गली में अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने घर के साइड। वीडियो आपको मैं दिखा दिया हूँ गाइस, और वीडियो कैसा लगे आप कमेंट जरूर करना। जहाँ से मैं वीडियो शुरू किया था घर से अपने घर पे, मैं वापस आ गया हूँ। तो वीडियो आप जरूर देखें, मेरा पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब भी आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ में आएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, जो हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तहे दिल से शुक्रिया उनको। और जो नहीं भी देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फैमिली मेंबर बन जाएं और ज्वाइन हो जाएं हमारे फैमिली में। ऐसे ही गल्फ कंट्री का मैं वीडियो आप लोगों तक लाता रहूँगा। देख सकते हैं गली का सीन है, तो गली में जो घर है उनके सामने गाड़ी यहाँ पे खड़ा रहता ही है, उनके घर के सामने गाड़ी खड़ा रहता है। तो चलिए मैं अभी रुकता हूँ और दुआओं में याद रखिएगा।